यो आकाशवाणी जम्मू है, गोजरी खबरें अशमारा नालों अबैदुर रहमान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज एक ट्वीट पैगाम के जरिए कोरोना वायरस नाल निबड़न वास्ते एक मुहिम की शुरुआत की है। इस मुहिम को आगाज आने वाला त्योहारों ते सर्दियों का मौसम ते पहला कियो गयो है। अपना ट्वीट पैगाम में जनाब मोदी ने लोगों ने कहा जे वे कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हो जाए। उन्होंने कहा जे माशी सरगर्मियों की बहाली को सिलसिलो शुरू कर दितो गयो है। लोगों ने हमेशा मास्क लानो है, अपना हाथ बार बार साबुन नाल धोना है, तो समाजी फासलों को हमेशा ध्यान रखना है। इस मौके पर उन्होंने कहा जे लोग एक दूजे से दो गज की दूरी बर रहे। वजीर आजम ने कहा जे हम सब मिल गए कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई ने जीत सका। उन्होंने कहा जे हमारा साझा तालमेल नाल कई लोगों ने कोरोना वायरस को शिकार होने से बचा लियो गयो है, तो हम सब ने कोरोना वबा के खिलाफ लड़ाई ने जारी रखना है ताकि हर कोरोना मुतासर अफराद की जान बचाई जा सके। जम्मू कश्मीर इलाका में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस का 621 नवा मुस्बत मामला सामने आया है। तो इसके नाल ही उन जम्मू कश्मीर में कोरोना मुस्बत अफराद की कुल तादाद 81,097 हो गई है। कोरोना वायरस से मुतासर 621 मुस्बत मामलों में 260 अफराद मुतालक खिता जम्मू से हैं, जबकि खिता कश्मीर से 361 अफराद कोरोना मुस्बत पाया गया है। इसके अलावा कोरोना वायरस से मुतासर कुल 14 अफराद की मौत वाका हुई है, जिनमें फौत होया 7 अफराद खिताए जम्मू से ताल्लुक रखे था, जबकि 7 अफराद खिताए कश्मीर से इस वबा को शिकार हो गए। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर का बख बख अस्पतालों से 2,188 कोरोना मुस्बत मरीजों ने शफायाब होने पर अपने करेंट और योग्यो है। वाजे रहे जे इस वेले जम्मू कश्मीर में कोरोना मुतहरिक मामलों की कुल तादाद 12,131 है। 67,684 कोरोना मुस्बत अफराद इस वबा से शफायाब हो गए तो कुल 1,282 अफराद की कोरोना वायरस नाल मौत वाका हुई है। ग्राया दर वापसी प्रोग्राम का तीजा मरहला के तहत कल जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जिला उधमपुर का कुद इलाका को दौरो लायो। लेफ्टिनेंट गवर्नर मौसूफ को इलाका के अंदर दौरों काफ़ी सूदमंद साबित हो तो इस दौरान इलाका कुद में तकरीबन 50 तरक्याती कामों को इफ्तिताह कियो गयो। ये तरक्याती प्रोजेक्ट RDD महकमा, MG नरेगा, 14वां माली कमीशन और 15वां माली कमीशन के तहत शुरू किया गया था। इस मौका पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मौसूफ ने त्रै कमरों पर मुश्तमिल एक तामीरी ढांचा को भी नींव पत्थर रखियो, जिसकी लागत 43,97,000 रुपये है। इसके अलावा पछोट ते संजोट इलाका में पानी की दस्तियाबी वास्ते 469.36 लाख रुपये का पानी प्रोजेक्ट को भी नींव पत्थर रखियो गयो है। अपना दौरा के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मौसूफ ने किसानों ते मजदूर तबका में किसान क्रेडिट कार्ड, गोल्डन कार्ड ते डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह भी तकसीम किए। लेफ्टिनेंट गवर्नर का सलाहकार राजीव राय भटनागर ने जिला सांबा का गगवाल इलाका को दौरो ला गया। उत्तग्रायन दर वापसी प्रोग्राम का तीजा मरखला में ओरिया कामकाज को जायजो लियो। इस मौका पर सलाहकार मौसूफ ने कई मकामी लोगों ते PRIs नाल मुलाकात करके कई तरक्याती प्रोजेक्टों बारे जानकारी हासिल की। इस मौके पर बोलता में सलाहकार मौसूफ ने कहा कि मौजूदा सरकार पंचायतों ने खुद मुख्तार बनाने वास्ते कई इकदाम कर रही है, तो ग्राया दर वापसी प्रोग्राम के तहत देही इलाकों की तरक्की ते लोगों की शिकायतों ने उनके करें हल किए जा रहे है। इस मौके पर एक ग्राम सभा को भी इनकार किया गया, जिते लोगों ने अपनी मुश्किलात ते मुतालबा सलाहकार मौसूफ के सामने रखा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीर का गांधरबल इलाका में एक सियासी लीडर पर दहशत गर्दाना हमला की सख्त मजम्मत की है। इस हमला के दौरान सियासी लीडर की हिफाजत वास्ते तैनात PSO व शहीद होने पर भी इजहार ताजियत की गयो है। वाजे रहे जे दहशत गर्द ने गांधरबल इलाका में BJP लीडर गुलाम कादर पर हमलों कियो, तो इस दौरान PSO मोहम्मद अल्ताफ शदीद तौर जख्मी हो गयो, जिसने फौरी तौर स्किम्स अस्पताल पहुंचाया गया। इस दौरान मोहम्मद अल्ताफ जख्मों की ताब न लाता दम तोड़ बैठो। इस हमला की सख्त मजम्मत करता में लेफ्टिनेंट गवर्नर मौसूफ ने कहा जो इस हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहीद होया मोहम्मद अल्ताफ का कुंभा नाल इजहार ताजियत करता में लेफ्टिनेंट गवर्नर मौसूफ ने कुंभा का अफराद ने हर किस्म की मदद दिता जान को ऐलान किया है। भारतीय फिजाइया आज अपना 88वां यौम तासीस मना रही है। भारतीय फिजाइया 8 अक्टूबर 1932 में कायम की गई थी। यौम तासीस का मौका पर आज हिंदान गाजियाबाद में भारतीय फिजाइया की कारकर्दगी को मुजाहिर वैगो। इस मौके पर भारतीय फिजाइया की आकाश गंगा टीम खला में अपना कर्तव्य पेश करेगी। इस मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भारतीय फिजाइया वास्ते नेक ख्वाहिशात को इजहार की है। इसके नाल ही गोजरी खबरों को शुमारो मुख्यो